बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज है संडे और संडे के दिन ना मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ। स्पेशल मतलब कुछ चटपटा, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक लड़की का स्कूल रहता है और उसको ना मैं ज्यादा फास्ट फूड नहीं देती हूँ। एक संडे के दिन ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ उसके लिए। तो मैं सोची आज मैं बना रही हूँ मैगी, और मैं ना वो पानी वाला मैगी मुझे एकदम ही पसंद नहीं, तो मैं अपने तरीके से मैगी बनाती हूँ। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप देख लीजिए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। और आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए मैंने इधर ना मैगी बनाने के लिए ले लिया है जो जो लगेगा मुझे। तो मैंने इधर प्याज कट कर लिया है, और ये है चिली फ्लेक्स, और ये है मटर, और दो एग, और ये मैगी मसाला, और ये मैगी, तो मैं इसी से बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए मैंने अभी ना ये पानी गरम गरम किया हुआ ही है, क्योंकि केटली में थोड़ा हल्का गरम था, ज़्यादा गरम नहीं था, तो वो पानी मैंने डाल दिया है। और उसके अंदर मैंने डाल दी है मैगी और ये मटर। तो मैगी और मटर ना एक साथ ही बॉईल हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने अलग अलग नहीं डाला। तो देखो मैगी के पानी में उबल आ ही गया है, तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, क्योंकि मैगी बॉईल होने में टाइम नहीं लगता। और मैंने मैगी को छन्नी में डाल दिया है, और थोड़ा ठंडा पानी डाल दूँगा, इससे ओवर कुक नहीं होता है और पानी भी गिर जाएगा। तो और अभी देखिए मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, और मैंने तेल भी डाल दिया है। तो मैं पहले अंडे को फ्राई कर लूँगी, जो अंडा भुर्जी बोलते हैं, क्योंकि मैगी में तो बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं जाएगा, उसको थोड़ा भुर्जी टाइप करके फिर ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने दो अंडा लिया था, तो उसका मैं भुर्जी बना लूँगी। और इसमें ना ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी तो अच्छा लगेगा, वरना है ना पूरा नमक नहीं लगता है ना, तो कैसे खाने में टेस्ट नहीं आता। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया है। तो चलिए ऑलमोस्ट देखिए मेरा एक भुर्जी बन ही गया है। अभी मैं इसको उतार लूँगी, और उतारने के बाद ना मैं फिर से यह कढ़ाई में तेल डाल दूँगी, और तेल डालने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को मैं ना ज़्यादा क्या बोलते ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि प्याज पूरा गलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैगी में अगर पूरा प्याज गल जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा दांत में लगना चाहिए। आप जब उसमें बाइट करोगे ना थोड़ा क्रंचीनेस आना चाहिए, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, सब नहीं डालते लेकिन मुझे पसंद है, इसी वजह से मैं डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद क्या होता है ना, इसमें एक अलग प्याज का भी वाइटनेस नहीं रहता, तो वो भी थोड़ा पीला पीला हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं हल्दी डालती हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा प्याज फ्राई हो ही गया है। अभी मैं इसके अंदर मैगी और जो साथ में मटर भी डाला था, एक साथ अच्छे से बॉईल हो गया था, तो मैं इसको डाल दी हूँ। और जब इसको ना क्या बोलते चलाते हो, तो इसके अंदर मैं पहले ना वो सब कुछ डाल दूँगी जो अंडा भुर्जी बनाया था, और इसमें अंदर मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स और मैगी मसाला, ये भी डाल दूँगी। और जब एक ही करछी से चलाते हो ना तो वो अच्छा नहीं होता, इसी वजह से मैं दो हाथ से, देखो एक हाथ से छोटा वाला चम्मच जो वो कट कट चम्मच होता है वो, और एक हाथ से करछी, तो दोनों दे के मैं इसको चलाती हूँ तो अच्छा होता है। और मैगी के अंदर जो मसाला रहता है तो वो भी मैं डाल दूँगी, तो क्योंकि उसमें स्वाद अच्छा आएगा। और एक बात, मेरा हिंदी शायद थोड़ा इधर इधर हो रहा होगा, तो आप प्लीज़ कुछ माइंड मत करना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है हम बंगाली हैं, तो हिंदी तो थोड़ा अटकेगा ही, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से बोलने के लिए। और लास्ट में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है, क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए। तो मेरा मैगी रेडी, मेरा मसाला मैगी बन के रेडी है, तो इसको मैं अभी टेस्ट करूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं प्लेट में निकाल के इसको टेस्ट करती हूँ। तो देखो मैंने ले लिया है, और बाहर ना बहुत धूप है, धूप के वजह से शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ।
मुझे तो पता है क्योंकि मैंने ना ये पहले भी बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला मैगी ऐसे। तो आपको अगर ऐसे बनाना है ना तो एक बार ट्राई करना जरूर, क्योंकि बहुत सिंपल है सामान भी। आप इसके अंदर ना जैसे वेजिटेबल भी डाल सकते हो, जैसे कैप्सिकम, कैरेट आपके हिसाब से। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना बस इसी मटर, एग, प्याज डाल के ही बना लेती हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए और अभी क्या बताए, तो हो ही गया है, मैं अभी जल्दी जल्दी खा लूंगी तो लड़की को भी दे दूंगी। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।